और उसके बाद दो मैच होंगे सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल। आप सभी टीमें और पहली रेड 10 नंबर पर्सी का खिलाड़ी आदेश गांव नित्ताघर जिला बिहारी एमडी की तरफ से समय रेड करता हुआ नित्ताघर का ये गांव का बेटा और बहुत ही अच्छा मैच दोनों टीमों के बीच आपको देखने को मिलेगा। और भैया 9 नंबर जर्सी का खिलाड़ी साई की तरफ से सोमवर रहड़ा इस समय रेड करता हुआ सोमवर गांव रहड़ा जिला कैथल बहुत ही अच्छा खिलाड़ी नेशनल स्टाइल कबड्डी का और साई गांधीनगर में कबड्डी का अभ्यास करता हुआ खिलाड़ी फिर रेड पर चला 10 नंबर जर्सी का खिलाड़ी आदेश गांव नीता था और बहुत ही अच्छा मैच आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो मैच है वो भी ध्यान दें दोनों टीम के बारे में बोल रहे इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है। एक पॉइंट लेने में कामयाब रहा आदेश मित्ता था। अब 10 नंबर जर्सी का खिलाड़ी नाम मिलन दहिया गांव सिदौली जिला रोहतक तो बिल्कुल 2 पॉइंट लेने में मिलन बिल्कुल कामयाब रहा बहुत ही मजबूत टीम है साई गांधीनगर की और बहुत ही अच्छी टीम है एमडीयू के नाम से खेल रहे हैं तफल के खिलाड़ी। एक और पॉइंट अर्जित किया अमिता घर की टीम ने अच्छा मैच लगेगा जो एमडी के नाम से खेल रहे हैं इस समय दोनों टीमों के बीच में अच्छा मैच जोरदार तालियों स्वागत करें बहुत ही अच्छा मैच चलता है दोनों टीमों के बीच में। अब रेड पर लक्ष्य लिख रहा है अपना आप बताती क्यों जोर इस समय लक्ष्य रेड करता हुआ लक्ष्य गांव डीगल जिला सोनीपत 12 नंबर जर्सी का खिलाड़ी साई गुजरात की तरफ से एक भाई पूछ ले ना ना बनिया बनिया लाएगी पनीर खड़ा किया गया है पर मिलन और बिल्कुल कैच लगा दी है पॉइंट मिला एमडीओ टीम को सुपर टैकल ऑन यहाँ पे और ना रेड को ध्यान को ना तो बढ़िया 10 नंबर जर्सी का प्लेयर और ये दो पॉइंट
और वो बिल्कुल खलबली मचा दिया अंग्रेजी टीम में आते ही। इस मैच में 10 नंबर जर्सी का खिलाड़ी आदेश बिल्कुल अब तक इस मैच का हाई स्कोर है। अब टेम्बुल टेम्बुल रोड का एक पॉइंट बनाने में कामयाब। बोनस प्लस वन, दो पॉइंट मिले, बोनस का भी पॉइंट मिला, टच का भी पॉइंट मिला। सुपर टैकल ऑन दो खिलाड़ियों के डिफेंस में, आदेश रेड पर सुपर टैकल ऑन। दस नंबर जर्सी का प्लेयर रेड पर हो रही है, प्रयास हो रहा है और ये सुपर टैकल। दस नंबर जर्सी के आवेश को गुजरात मैच में थोड़ा चौकन्ना रहे। और अब रेड पर 9 नंबर जर्सी का खिलाड़ी सोमगर का और रोहड़ा जिला का खेल साइन गुजरात की टीम का हिस्सा बने इस समय। और अब एनडीए की तरफ से विकास इस समय रेड पर, विकास गांधी पथर जिला पिहानी और भाई अब इस समय 10 नंबर जर्सी का खिलाड़ी जूनियर कैंप में रह चुका है। वो खिलाड़ी भारतीय जूनियर टीम का जो कैंप लगा था उसमें कैंप में था आशीष गिल, गांव सोरपुर जिला हिसार। और वो दोनों टीमें अच्छा मैच खेलती हुई, एक समय था लग रहा था कि साई की टीम को ऑल आउट लगेगा, लेकिन अब एनडी की टीम ऑल आउट के कगार पर है। वन प्लस टू थ्री पॉइंट ऑल आउट। एनडीए की तरफ से रेड आदेश इस समय रेड करता हुआ उल्टा रो उल्टा रहो
पानी पात करना नहीं बरकत है तो मैं और भाई बहुत बड़ा मैच है, दो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। इस समय दोनों टीमें भाई अगले मैच की दोनों टीमें तैयार हो जाए और वो सेमीफाइनल मैच होगा। दोनों टीमें वार्म अप हो जाए, बहुत बड़ा मैच होगा, अच्छे खिलाड़ी दोनों टीमों में। जिस प्रकार का मैच है एमडीओ और साई के बीच में इस समय देख रहे हैं, बिल्कुल इस समय पॉइंट लेने में कामयाब रहा, अच्छा मैच। अब रेड पर लक्ष्य इस समय रेड करता है, लक्ष्य 12 नंबर जर्सी का प्लेयर लक्ष्य यहाँ पर रेड कर रहा है और डूअर डाई रेड है। देखते हैं क्या होता है इस समय लक्ष्य के पास और सामने मिता थल का डिफेंस। आओ गो चल आओ गो बैठो बैठो बैठो
भाई अगली दोनों टीमें तैयार हो जाए। अरे नहीं पकड़ी हो रहा है। विकास इस समय रेड पर, विकास रेड करता हुआ लेकिन एक मजबूत डिफेंस आप कर सकते हो साई की टीम का। और इस समय साई की तरफ से सोमवीर रेड पर, गांधीनगर साई में एक खिलाड़ी कबड्डी का अभ्यास करता है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी, एक दिन निश्चित ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा। थर्ड रेड डिवेंड है, डिसाइड रेड, थर्ड रेड करता है वह लक्ष्य। पांच खिलाड़ियों का डिफेंस लक्ष्य इस समय रेड करता है। 30 सेकंड का समय जो रेडर के पास होता है यही होता है, उसके बाद रेडर का आउट करा दिया जाता है। बिल्कुल लक्ष्य पर लगातार दबाव बढ़ता है, जैसे जैसे समय कट रहा है लक्ष्य पर दबाव, और एक और फ्लाइट मिला एनडीए की टीम को। थर्ड रेड डिवेंड बाई रेड, चार खिलाड़ियों का डिफेंस, दोनों कॉर्नर पर इस समय काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। तीन नंबर जर्सी का जो खिलाड़ी है विकास का खिलाड़ी है, और रेड आउट पॉइंट मिला साई गांधीनगर को। पहले सेमीफाइनल के दोनों टीमें वार्म अप होकर ग्राउंड के नजदीक आ जाए। टाइम पास ना कर रहे रेडर आउट पॉइंट टू एनडीयू, और एनडीयू की टीम भी बिल्कुल अच्छा मैच खेलती है। साइंस टीम के बीच उल्टा और फिर टाइम आउट के बाद एक और मैच स्टार्ट। भाई साहब है समय 15-21 का स्कोर, और वन पॉइंट बहुत हाई वोल्टेज मैच हो गया, एक पॉइंट अर्जित कर चुकी है उस समय एनडीए की टीम। 21-16 का स्कोर मिलन भैया इस समय रेड पर। फिर आदेश इस समय रेड पर, भाई एमडी की तरफ से सबसे पहले और बिल्कुल आदेश को और जैसे जैसे ये मैच समाप्ति की तरफ जा रहा है एनडीए की टीम टाइम आउट साई
17 का स्कोर बिल्कुल अब बी पर आ चुकी है और लीजिए मैं रेड आउट पॉइंट मिला एमबीए की टीम को। अब दो खिलाड़ियों का डिसीजन आते हैं दूसरे रेड पर और लीजिए मेरे साथ ये बिल्कुल कैसे लगा दी है सीखे देकर लगा दिया है विकास ने जो कि प्रो कबड्डी में गगन दिल्ली टीम का हिस्सा है। और अब आप मजबूत स्थिति में कह सकते हो साई की टीम को। अगली दोनों टीमें जल्दी ग्राउंड के नजदीक आ जाए, मैच बिल्कुल समाप्ति पर है। शाबाश बेटा बॉल आउट जय